ये प्रेरणादायक तो है ही, ये तुम्हारे चरित्र चित्र का एक साधन तो है ही, उसके साथ साथ ये तुम्हारे आत्मरंजन, आत्ममनन और आत्मचिंतन और आत्म की श्रेष्ठता के लिए, आत्मा की उत्कृष्टता के लिए और तुम्हारी दिव्यता के लिए सबसे बड़ा साधन है। जो ध्यानी ज्ञानी अमलात्मा है, जो बहुत ध्यान मेडिटेशन को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, उनको एक खास बात बता रहा हूं। आप अपने आसपास कुछ ऐसे यंत्र इत्यादि रखना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं रखना चाहते हैं, ऐसे साधन रखना चाहते हैं जिससे वहां की ऊर्जा थोड़ी और अपग्रेड हो जाए, वहां की एनर्जी महसूस करने लायक हो जाए। आप सामान्य जगह जब ध्यान करते हैं बात अलग होती है, आप जब मंदिर में ध्यान करते हैं बात अलग होती है, आप जब किसी श्रेष्ठ तीर्थ में ध्यान करते हैं अलग बात होती है, और आप जब किसी ज्योतिर्लिंग में ध्यान करते हैं तो बात अलग होती है। ऐसे ही जब आप किसी गुरुमुख से ध्यान करते हैं तो बात अलग होती है। कभी आपको अवसर लगे तो अपने सामने शिव महापुराण रखकर ध्यान करना, फिर बताना मुझे। आप अगर हिल ना जाए अंदर से तो कहिएगा, आपको अगर यह ना लगे कि सच में कोई शक्ति और कोई अद्भुत विशाल शक्ति है जिसे समझ पाना बड़े बड़े अमलात्माओं की और सिद्धात्माओं की, सिद्धों की, यतियों की, मुनियों की, ज्ञानियों की, तपस्वियों के बस की बात नहीं है, तुम उस चीज को सहज प्राप्त कर रहे हो, तब कहना। शिव महापुराण सामान्य बात नहीं है, शिव महापुराण सुन लेना। शिव महापुराण सिर्फ इतना सा शब्द सुन लेना जीवन को तत्काल परिवर्तित करता है। जिस प्रकार काली मिर्च के कुछ दाने अगर आपके खाने में पड़ रहे हो तो आपके रक्त का प्रवाह अच्छा हो जाता है, आपके रक्त का फिल्ट्रेशन हो जाता है। जिस प्रकार फिटकरी के थोड़ा सा स्पर्श मात्र से पानी का जो कुविचार है वो ठीक हो जाता है, उसकी जो अशुद्धि है उसका जो निर्माल्य भाग है वो अपने आप सतह पर चला जाता है, बिल्कुल उससे कहीं ज्यादा। जिस प्रकार एक हंस पानी पड़े हुए दूध से सिर्फ दूध पीता है और पानी छोड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही जब तुम शिव पुराण का संरक्षण करते हो, शिव पुराण के संरक्षण में रहना शुरू करते हो, उसके अधीनस्थ हो जाते हो, तो आप सच मानना तुम्हारे जीवन के जितने भी अपराध हैं, जितने भी संकट हैं, जितने भी विकार हैं, जितनी भी तुम्हारी मुसीबतें हैं, जिसको तुम बहुत बड़ा कुछ मान रहे हो, वो सब सहजता से ठीक हो जाएगा, आनंद से ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें कुछ स्पेशल कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप होने लग जाएगा, क्योंकि ये बाबा की कृपा है। आपके घर में कुछ अच्छे शुभ ग्रंथ होने चाहिए, आप दुनिया भर की मैगजीन और नॉवेल और जाने क्या क्या रखते हो, एक बार शिव महापुराण की यह बात समझ करके कुछ शास्त्र अपने घर रखने की आदत डालें। आप पढ़ते हैं तो भी, नहीं पढ़ते हैं तो भी, केवल उस ग्रंथों को अपने घर में स्थापित कर लीजिए, आपके घर का ध्यान ज्ञान सब बढ़ जाएगा और आप बहुत स्पेशल हो जाएंगे, आपके घर की संततियों पर फर्क पड़ने लगेगा, आपके बच्चों पर, आपके कुटुंब में रहने वाले हर सदस्य के ऊपर एक अलग 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 प्रभाव पड़ेगा। आपके घर रामायण हो, आपके घर गीता हो, आपके घर भागवत हो, आपके घर शिव महापुराण हो, जो प्रमुख ग्रंथ हैं तो होने ही चाहिए, आपके घर रखने ही चाहिए। आप बड़ी बड़ी मूर्तियां और जब तस्वीर खरीद कर लाते हो, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप ग्रंथ खरीद कर लाइए और ग्रंथ अपने घर में रखिए, स्थापित कीजिए, समय समय पर उनको स्पर्श करिए, उन्हें प्रणाम करिए और उनको आदर सम्मान दीजिए, आपके जीवन में एक अलग परिवर्तन अपने आप आने लग जाएगा, अनायास आने लग जाएगा। जिस तरह एक छोटा सा स्विच बड़े से बल्ब को जला देता है, जिस प्रकार से छोटा सा दिखने वाला हजार वाट का बल्ब पूरे घर को रोशन कर देता है, वैसे तो 100 वाट का भी कर देता है, बिल्कुल वैसे ही ये तो आप समझो कई लाख वाट का बल्ब आप घर ले जा रहे हो अगर आप शिव महापुराण रखते हो।
ये तो हजारों सूर्यों के बराबर रोशनी है इसमें, हजारों सूर्य इसके आगे फीके पड़ सकते हैं, अभी तो ऐसा भी कहा गया है। आपके घर आपके धर्म के शुभ ग्रंथ होने चाहिए। जो सिख धर्म के लोग हैं उनके वो गुरु ग्रंथ साहब का ही पूजन करते हैं। आपके यहां ये परंपरा है, आप मान नहीं पा रहे हैं केवल। बाबा शिव, वैसे तो कंकड़ कंकड़ में शंकर है, वैसे तो उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता, वैसे तो वो जो चाहते हैं वही सब कुछ संभव हो पाता है, लेकिन चूंकि मति तुम्हारी अपनी है तुम अच्छी चीजें देख नहीं पाओगे। बाबा तो अच्छा करेगा, वो तो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ चीजें लेकर आएगा, क्योंकि बाबा को आदत नहीं है तुम्हें दिखा कर देने की, वो तो तुम्हारी आदत है। बाबा तो बिना बताए देता है, अनायास देता है और सहजता से आपको प्रदान कर देता है। कच्चे दूध में हल्दी डालकर अगर जो लोग चढ़ाते हैं उनका बृहस्पति स्ट्रांग हो जाता है। बाबा के ऊपर कभी अवसर लगे आपको, खासतौर से गुरुपुख में गुरुवार को या किसी खास पर्व में अगर आप ये काम करते हैं, दूध में हल्दी डालकर चढ़ाइए बाबा के ऊपर। अब देखो ये हल्दी पिसी वाली बहुत शॉर्टकट तरीका मत इस्तेमाल करना, हल्दी की गांठ लेकर के घिस कर फिर दूध में मिलाना। जब तुम घिसोगे ना तो तुम्हारे हाथों में भी लगेगी। हम लोग टीका चंदन करते तो हाथ भी लाल पीले हो जाते हैं, इससे फर्क क्या है? किसी महापुरुष ने मुझे समझाया कभी, महापुरुष मतलब कोई मूर्ख व्यक्ति उसने समझाया मुझे कि आप हाथ से क्यों करते हैं, आजकल तो ब्रश आ गया है, कोई 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 भी ऐसी चीज ले सकते हैं उससे कर लीजिए, हाथ खराब नहीं होंगे। तो मैं तो चाहता हूं कि हाथ खराब हो, भगवान के प्रसाद में हाथ लगे उससे खराब नहीं अच्छा होता है। आपकी रेखाएं, आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध, और भूल मत जाना हाथों को कर बोलते हैं, इनसे जो भी कुछ काम किया जाए उसे कर्म बोलते हैं। अच्छे शुभ कर्म हो रहे हैं मेरे हाथों से, शुभ चीजों का स्पर्श हो रहा है मेरे हाथों से। अपने हाथों से हल्दी घिसना और अपने ही हाथों से दूध में मिलाना, फिर बाबा शिव पर चढ़ाना। ऐसा करने से तुम्हारे घर में मांगलिक कार्य होने लगेंगे, मर्मांशिक विवाह होता है, विवाह के संयोग बन जाते हैं, जिनको संतान नहीं हो रही है उनके संतान उत्पन्न होने की भावना और वैसे योग और संयोग बाबा बनाने लगते हैं, जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ बृहस्पति से होता है और बृहस्पति तत्काल प्रभावित हो जाता है, तत्काल अच्छा हो जाता है ऐसा करने से। पूरी मन से पूरी श्रद्धा से इस चीज को करिए, आपका जीवन उत्कृष्ट होगा, आपका जीवन श्रेष्ठ होगा। हर दिन एक महत्वपूर्ण दिन है, हर दिन एक खास दिन है, हर पल कुछ हो रहा है प्रकृति में, ये सिचुएशन ये सिस्टम कुछ कर रहा है, हवाएं चल रही हैं, खुशबू फैल रही है, सूर्य उगा है और रोशनी दे रहा है, ये सब जो चक्र है ये परमात्मा अपने आधार पर बनाकर और उसको तुम्हारे अनुकूल और तुम्हारे लाभ के लिए उन व्यवस्थाओं को संचालित कर रहा है। इसके बदले में वो तुमसे कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि तुम और अच्छे हो जाओ, तुम और मूल्यवान हो जाओ, तुम और कीमती हो जाओ, तुम्हारा मन भगवान शिव के चरणों में और ज्यादा लगे, तुम शिव मंदिरों में खास तौर से जाना शुरू करो और भगवान शिव के चरणों में अपना अनुराग और बढ़ाओ, बस और क्या ही चाहता है वो।